हाँ भाई, राम राम। जय श्री बालाजी। राम राम सारन है। मैं नरेश कुमार सैनी, झुंझुनू राजस्थान, 75 हार्ड चैलेंज, डे 17, इवनिंग सेशन। आज करने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट किया हुआ है खुद से, वादा किया हुआ है खुद से। आज बहुत सारा काम था, दिन में बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी। मैंने मॉर्निंग के टास्क पूरे कर लिए, कंप्लीट। पानी 4 लीटर से ज्यादा पी लिया, खाना भी खा लिया, अच्छी डाइट ले ली, लेकिन आज बहुत ज्यादा थकान फील कर रहा हूं। और भगवद गीता भी मैंने पढ़ ली ईश्वर की कृपा से, और अब जो बॉडी है ना, वो इजाजत नहीं दे रही इस इनिंग वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करने की। लेकिन जो आत्मा की आवाज है, जो खुद से किया हुआ वादा है, जो कमिटमेंट है, वो मुझे पावर देता है किसी भी हाल में अपने वादे को निभाने की। इसलिए मैं इस वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट करूंगा। आज 17वां दिन है, इसको मैं पूरा करूंगा। आप सब लोगों का दुआ, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि 75 डेज कंप्लीट करना लगातार डिसिप्लिन के साथ, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। आप लोगों की दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद, ये सब मुझे चाहिए। परिवार का साथ और प्यार, और आप सब लोगों का जो प्रोत्साहन मुझे मिलता है, आप जो कमेंट करते हैं, आप जो लाइक करते हैं, उससे मुझे जो हिम्मत मिलती है, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो आगे भी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यूं ही देते रहिएगा, क्योंकि जो कमिटमेंट मैंने लिया है, लाखों लोग साल के शुरुआत में सोचते हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी की डेट पर सोचते हैं, और इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हर दिन कोई गोल, कोई डिसीजन, कोई डिसिप्लिन, कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई टारगेट डिसाइड करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम या चुनिंदा ही लोग होते हैं जो उस लक्ष्य को, उस गोल को, उस सिस्टम को, उन आदतों को, उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये संभव हो सकता है मेरे लिए कि मैं इस टास्क को, इस चैलेंज को, 75 हार्ड के इस गोल को मैं कंप्लीट करूं, पूरा करूं। ये तभी पूरा हो सकता है जब ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हो, और आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हो। बिरले ही होते हैं जो ये कर पाते हैं, जो वो चाहते हों, जो वो सोचते हों, जो उनका गोल हो वो अचीव वो करें, वो कुछ बिरले लोग ही कर पाते हैं अपने इस जीवन में। वरना बहुत सारे लोग तो इस जीवन में आते हैं और सिर्फ इस जीवन को काट के चले जाते हैं। लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति की वजह से, मैं अपनी सोच की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं जो सिर्फ अपनी जिंदगी को काट के चले जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो कुछ चुनिंदा ही लोग इस दुनिया में होते हैं, जो अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास करते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागलपन की तक प्रयास करते हैं। चलिए, थैंक सो मच आपकी दुआ और ईश्वर के आशीर्वाद से आज के दिन को भी मैं कंप्लीट करूंगा। हर एक दिन को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करने की हर संभव प्रयास करूंगा। आपकी दुआएं आपका प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री बालाजी, राम राम सारण है। थैंक यू।